बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी फिजिक्स ऑफ क्लास 10, यूनिट नंबर 13। टुडे आवर टॉपिक इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए, हमने पढ़ा था कि लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से अवे चली जाती है। लेकिन ये देखें, अगर लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी और 90 के एंगल से टकराएगी तो बिल्कुल सीधी चली जाएगी, वो बेंड नहीं होगी। लेकिन जैसे कि ये मैंने डायग्राम ए में दिखाया है, लेकिन अगर लाइट रे नॉर्मल के साथ कोई एंगल इंसिडेंस कोई भी एंगल बनाएगी तो फिर वो रेयर मीडियम में जो है वो नॉर्मल से अवे चली जाएगी, जैसे कि ये एंगल आर बनाया है। लेकिन ये सारी की सारी जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, कुछ लाइट जो वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट भी हो जाती है, इनके वापस भी आ जाती है। यानी कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, कोई रिफ्लेक्ट हो गई। इसी तरीके से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है रेयर मीडियम में वो भी बड़ा हो जाएगा। लेकिन अब भी वही सूरत हाल है कि कोई लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, कोई लाइट जो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाएं तो इतना बढ़ जाए कि ये रेयर मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री का हो जाए, जैसे ये देखें, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री का होगा उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि अब रिफ्रैक्शन तो हुई है लेकिन रिफ्लेक्शन भी हुई है, कुछ लाइट वापस भी है। ये अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो रहा है, जैसे इस केस में देखें कि क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया है, तो अब किसी किस्म की कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, सारी की सारी लाइट वापस डेंसर मीडियम में आ जाएगी। इसलिए इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अच्छा, हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था पहले, ये दूसरा लॉ भी है जो कि जब लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हो रही हो तो साइन एंगल आई जो साइन एंगल आर और साइन एंगल आर की जो रेशियो है वो एन के इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर हो रही है, तो इस सूरत में साइन एंगल आर और साइन एंगल आई की जो रेशियो वो एन के इक्वल होगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एन इंटू साइन एंगल आई इज इक्वल टू साइन एंगल आर। लेकिन अगर जो एंगल आई है वो क्रिटिकल एंगल हो तो रेयर मीडियम में जो एंगल आर है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हमेशा 90 का आएगा। तो आप जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो एन साइन एंगल सी इज इक्वल टू 1 या एन इज इक्वल टू 1 ओवर साइन एंगल सी। तो इस फार्मूले से भी हम किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर सकते हैं। थैंक यू।